आज हम इंडिया आस्क पर ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे मुंबई में, क्या पूरे देश में उनकी एक्टिंग की दीवानी थी और उनका लुक भी बहुत प्यारा था। उन एक्टर का नाम था विनोद मेहरा जी। जुनैद महमूद जी की ज़ुबानी बात करेंगे क्योंकि चंद पिक्चर में साथ में काम भी किया है और जुनैद महमूद जी के पड़ोसी भी रहे विनोद मेहरा जी। देखिए इंडिया आस्क की खास रिपोर्ट। जुनैद भाई, ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं आपने कितनी पिक्चर में क्या काम किया और कितने एक्टर के साथ किया, जितनी इंडस्ट्री है उनके सारे के साथ आपने काम किया है। लेकिन आज बात करेंगे हम विनोद मेहरा जी के पर आपसे बात करेंगे और उन्होंने आपके साथ कई फिल्मों में काम किया और सुना है कि आपके पड़ोसी भी थे। विनोद महाराज जी के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप। इंडियास के सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। सलाम भाई, वैसे जैसे आपने पहले भी बातें की हैं, बहुत बातें की हमने तो, और ये भी कहा है कि आखिरी वक्त हर एक ने देखना है, पर कुछ लोग जिन्होंने आखिरी वक्त अपनी उम्र से पहले देखा होता है उनके लिए सदमा होता है, दुख होता है, दिल में खलिशी रह जाती है। अलबत्ता ये तो पता है कि हम सबको जाना ही है, विनोद मेहरा साहब, विनी बोलते थे प्यार से सब भैया को, और मेरे पड़ोसी थे वो बड़ी बात नहीं, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मैं उनका पड़ोसी रहा हूँ कई साल, मतलब इनके गुजरने तक। बहुत यंग मरे हैं ये, बमुश्किल 45 साल की उम्र में गुजरे हैं ये। मगर सलाम भाई, इस आदमी को मैंने ये भी देखा है कि काका जी यानी कि राजेश खन्ना जी के बाद अगर कोई पब्लिक या कोई लड़कियां या जो चाहने वालों की चाहत इनके पीछे थी जी। मैं कहता हूँ बहुत गजब थी, बहुत गजब, और बहुत मॉडेस्ट और बहुत प्यारे लगते थे और लगता था कि कोई ख़ानदानी बच्चा है कोई। और एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं विनोद भैया की, कि विनोद मेहरा साहब हमारी तरह, मतलब मुझसे सीनियर है बेशक, और ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है, पर ये चाइल्ड आर्टिस्ट थे पहले जी। इनका करियर भी बच्चों की तरह शुरू हुआ था, बच्चों जब ये बच्चे थे तब शुरू हुआ था। बहुत सी फिल्मों में, बहुत सी मैथोलॉजिकल फिल्मों में इन्होंने काम किया। बड़े हसीन, बहुत खूबसूरत रहे हैं ये, और जवानी में भी वैसे रहे हैं और बचपन में तो बहुत ज़्यादा ही थे। तो उनका करियर बना, बाद में ये हीरो बने बड़े होके। फिर हमने एक फिल्म की, एक फिल्म थी हमारी निर्दोष, निर्दोष फिल्म थी, उसमें हम साथ थे। एक फिल्म आई थी उजाला ही उजाला, उसमें हम थे। और एक बहुत बड़ी बात वो ये कि हमारी दोस्ती, मोहब्बत, प्यार ऐसा रहा। बहुत से शोज़ में भी हम मिले, वो बात की बात है। अलबत्ता कि भाई की फिल्म में छोटा सा रोल था, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी गुरुदेव जी, अनिल कपूर साहब, चिंटू कपूर साहब, ऋषि कपूर साहब, सनी देवी जी, तो उसमें एक छोटा सा एक कोई पोस्टमैन का कुछ रोल था, दो तीन सीन थे। तो मुझे इनका पर्सनल फ़ोन आता है मुझे जी। बोले मैं विनी बोल रहा हूँ। मैं परेशान हो गया कि ये कभी किसी से ज़्यादा वो होते नहीं थे, मैं कैसे यकीन करूँ कि विनी मुझे फ़ोन करेंगे। मैं कौन विनी, मैं नहीं कर बोला। बोले पगले मैं विनोद मेहरा बोल रहा हूँ। अरे मैं कहा विनी भाई, मेरे तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि आप मुझे फ़ोन करेंगे। बोले अरे ऐसी बातें चल रही थी, तो एक छोटा सा पोस्टमैन का रोल था, बेसिकली गेस्ट अपीयरेंस ही मान ले तू, अगर तू करेगा तो गेस्ट अपीयरेंस है, वरना किसी और से करवा लेंगे। किसी और से करवाएंगे तो शायद मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, अगर तू अगर कर लेगा तो ज़रा सा मुझे अच्छा लगेगा। मैं कहा नेकी और पूछ पूछ, मैं कहा मेरी मजा लेके मैं आपको ना बोलूँगा। ये नहीं कि काम था मेरा, वो ये था कि इनकी मोहब्बत थी, वो चाहते किसी से भी वो रोल करवा लेते। बहुत छोटे सीन थे, छोटे मोटे, और फिर वो गाना वाना भी था श्री देवी जी का, वहाँ भी हम जाते हैं और क्या क्या होता है चिंटू भैया के साथ। तो कोई इतना भी बड़ा कोई वो नहीं था, पर इन्होंने उस मोहब्बत को बरकरार रखा, या ये जताया कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। और याद आती हैं बातें, और विनोद मेरा बहुत प्यारे थे। हाँ, ज़्यादा हमारी मुलाकात, हैरान हो जाएंगे, विनोद भैया की हमारी ज़्यादा मुलाकात महमूद भाईजान के यहाँ होती थी। महमूद भाईजान के बड़े लाडले, हाँ महमूद साहब के बहुत लाडले, वो भी विन्नी कहते थे, भाईजान भी इनको विन्नी कहते थे। सबसे बड़ा रुपया में हीरो थे ये, दो फूल में थे ये, और दो तीन फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस भी किए, फैमिली मेम्बर थे इनके। तो विन्नी भैया से बड़ी मुलाकातें वहाँ होती थी मेरी। जूनियर में बात करें, मुंबई के बांद्रा में आपका घर है और विनोद मेहरा जी का भी बांद्रा में, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी थे, तो आपकी दोस्ती कैसी हुई और दोस्ती कितनी गहरी थी आप ये बताएंगे विनोद मेहरा जी के साथ? बांद्रा में मेरा घर है और उनका बंगला है। अरे तो बात यह कि मगर दोस्ती मोहब्बत जहाँ होती वहाँ बंगला और घर नहीं देखा जाता। मैं आपकी अम्मी से बहुत मिला हूँ, मैं आपकी अम्मी के पास जाया करता था और चाय भी पी मैंने उनके यहाँ, क्योंकि पाली प्राण अंकल के बिल्कुल बैंक अपोजिट रहते थे ये। और अभी तो मुझे पता नहीं फिल वक्त, क्योंकि इनके गुजरने के बाद तो मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं इनकी फैमिली के बारे में। पर विनोद भैया के गुजरने के बाद मेरी कोई ऐसी
उनकी फैमिली से कोई ऐसी उनसे कोई रब्ता नहीं रहा। विनोद मेहरा जी के साथ कोई किस्सा आपके साथ है जो उन्होंने आपको बताया हुआ कोई किस्सा, कोई वाक्य शूटिंग के दौरान? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सलाम भाई हमेशा महमूद साहब की बातें करते थे, भाईजान ने ऐसा किया, भाईजान ने वैसा किया, भाईजान ने, वो तो उनके इतने के जैसे इतने लंबे झड़ंगे थे, लेकिन भाईजान उसके एक छोटे से कडली बैर की तरह उसको उन्हें प्यार करते थे और वो थे भी उनके लिए वैसे। तो हमेशा जब भी जिक्र हुआ है या कुछ हुआ है तो इन्होंने भाईजान के मुतालिक ज़्यादा बोला है, क्योंकि मेरा भी भाईजान से कनेक्शन था तो ये हुआ। और फिर मैं कहूँगा सलाम भाई के अच्छे लोगों की याद आती है और विनोद वाकई में बहुत अच्छे थे। विनोद मेहरा जी के साथ आपने शो कहाँ कहाँ गए बताएंगे? मैं अभी बताया ना आपको, सूरत वगैरह गए हम, एक बार अब्रॉड भी गए हम, तो मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत कम बोलते थे और बहुत अच्छा बोलते थे और बहुत अच्छे थे। विनोद मेहरा जी की बात करें तो उन्होंने बहुत सी फिल्में काम किया, दरिया किनारे, एक बंगलेरे, और देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के साथ खुद्दार पिक्चर में भी उन्होंने अच्छी अच्छा भूमिका निभाया था, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़े मंजे में थे साहब, इनको कहते हैं ना कि किसी भी रोल में ले लीजिए। इनकी एक और फिल्म मैं आपको याद दिलाऊं, घर, ये अकेले ही थे उसमें रेखा जी के साथ, लोग भूलेंगे नहीं ऐसी फिल्में की इन्होंने। एक फिल्म आई थी ऐलान, तो थ्रिलर थी, उसमें विनोद खन्ना भैया विलन थे और आप थे और रेखा जी थी मुझे जहाँ तक याद है। और ऐसी बड़ी डायनामिक फिल्में भी की इन्होंने, कहते हैं कि एक्शन हीरो भी किए हैं, रोमांटिक तो ये थे ही, फिर सपोर्टिंग रोल में बड़े बड़े रोल किए हैं। और जब तक ये जिए हैं एज एन एक्टर, इन्होंने बहुत इज्जत कमाई, मेहनत की और नाम कमाए। विनोद मेहरा जी की पिक्चर अगर आपने कई देखी है, आपके करीब कौन सी पिक्चर उनको ज़्यादा आपको पसंद आती है, लोगों ने भी बहुत पसंद किया, इसी कोई पिक्चर का नाम बताइए? घर, घर बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन, जो आप बार बार देख सकें, बार बार देख सकें, वो फिल्म थी घर, रेखा जी के अपोजिट। और विनोद मेहरा जी की और बात करें शूटिंग के ऊपर, उनके मिजाज कैसे होते थे, ऑडियंस के साथ किस तरह से पेश आते थे बताइए? बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत मोहब्बत से मुस्कुराते थे वो, और किसी ने तस्वीर खिंचवानी तो बड़े प्यार से तस्वीर खिंचवाते थे। मैं नहीं समझता हूँ कि इंडस्ट्री में किसी को उनसे शिकायत होगी, और जहाँ तक किसी कलाकार की शिकायत इंडस्ट्री में नहीं होती, यकीनन वो पब्लिक के साथ भी नहीं होती। अगर हीरोइन की बात करें विनोद मेहरा जी की, तो कौन सी हीरोइन के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे रेखा जी के साथ बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। घर पिक्चर का घड़ी घड़ी में नाम ले रहा हूँ, ऐलान में भी आप थी, अच्छे लगते थे, अच्छा कपल, बहुत प्यारा कपल। और विनोद मेहरा जी की कौन सी आदत आपको अच्छा ज़्यादा लुभाती थी? उनका खामोश रहना जी, सबकी सुनना, सबकी सुनते थे, कम बोलते थे। और कितने भी बड़े बड़े फनकार बैठे हों, उम्र में कह लें, रुतबे में कह लें, पर इन्होंने कभी ना तो अपने रुतबे का एहसास जताया ना कुछ किया, बेफजूल बातें नहीं करते थे। अगर आपसे बात करें, क्योंकि विनोद मेहरा जी आपके दोस्त भी थे, उन्होंने कौन सी जबान की में पिक्चर में काम किया, ये आपके नॉलेज में है? सिर्फ पंजाबी, हिंदी के अलावा जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है। वो भी दोस्तों को बुलाइज किया उन्होंने जी, और वही पंजाबी की होंगी, की हैं बल्कि, और हिंदी की हैं। और सलाम भाई मैं आपसे एक और पर्सनली रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि इनके बारे में आप मेरे अलावा कोई चीज़ अगर कर सकें आप, तो आज के जनरेशन को ज़रूर आप करके दिखाइए। लेकिन विनोद मेहरा जी एक मजे हुए आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, उनका लुक भी अच्छा था और लोगों ने पसंद भी किया और हर एक्टर के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन बॉम्बे के अंदर बांद्रा में ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कोई गली नहीं जिनके ऊपर चौक बनाया गया विनोद मेहरा जी की, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ मैं तो ये कहूँगा, हमारे जब बड़े लोग नहीं कह पा रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा सलाम भाई। ये तो ये कि अपना ही सिक्का खोटा हो तो चलेगा कैसे मार्केट में, तो हमारे कुछ लोग खोटे हैं जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है अगर वो सुन पाएँ या मेरे ये एपिसोड देख पाएँ कि उन्होंने बीच में आपने एक भारत भूषण जी दो तीन लोगों के लिए भी कहा था आपने, वैसे होना चाहिए कि आज की जनरेशन को पता लगना चाहिए कि हमारे फोर फादर या हमारे बड़े पूर्वज क्या क्या थे, क्या क्या नहीं थे, तो होना तो चाहिए। आपका हमेशा ये पिन पॉइंट करना अच्छा लगता है मुझे कि आप उनके मुतालिक सोचते तो हैं, हमारे यहाँ कोई सोचता भी नहीं, बड़े शर्म की बात है। जूनियर भाई, आप विनोद मेहरा जी को किस तरह से याद करते हैं, आपको किस तरह से उनकी याद आती है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम फिर उनकी याद आई? थारो जेंटलमैन, थारो जेंटलमैन, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, एक मुकम्मल इंसान। तो आपके साथ और उनके साथ आपको कोई फिल्म में और काम करने की ख्वाहिश बाकी थी, अगर ऐसा लगा कि जब वो वक्त से पहले चले गए मालिक के पास? नहीं, जाने की तकलीफ हुई, ख्वाहिश का कैसा होता है कि सलामा इतना काम कर चुके थे कि ऐसी कोई ख्वाहिश थी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर उनके जाने का सदमा सबको बहुत ज़्यादा हुआ कि 45 साल कोई उम्र होती है,
तो वो सदमा था, लेकिन ख्वाहिश मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं और 10 फिल्में उनके साथ करूं, क्योंकि इतना काम कर चुके थे, इतनी मोहब्बतें हासिल कर ली थी मैंने लोगों से, तो ऐसी कोई बात मेरे दिल में कभी नहीं आई। विनोद मेहरा जी ने वैसे कितनी पिक्चर में काम किया आपके अंदाजा? 100+ होंगी, 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बात है जी, बिल्कुल पक्की बात बोल रहा हूँ, बचपना छोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको जी। बचपना अगर ना गिने तो बचपन में 5-10 होंगी जो भी होंगी, पर जवानी में तो आपने अच्छी अच्छा काम किया, 100+ हैं पक्का। जूनियर महमूद साहब ने अपने अंदाज में अपने दोस्त अपने चहेते विनोद मेहरा जी को याद किया है, और इंडिया आज के माध्यम से इंडिया आज के देखने वाले को यही कहेंगे, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूले, और कोई सुझाव हो तो 30 सेकंड का वीडियो, जूनियर महमूद जी से आप कुछ बोलना चाहते हो, कोई सवाल हो तो आप वीडियो बना के हमारे इंडिया आज के माध्यम से आप भेज सकते हैं, और हमारा इंडिया चैनल देखते रहिए। और जो नंबर दिख रहा है सामने, अगर कोई आपकी बात वीडियो बनाने की नहीं आती आपके दिमाग में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा ही नंबर है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।